अलीगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलने वाली सरकारी कोचिंग सेंटर के डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाएं जांची। दोनों अधिकारी मुकुंदपुर स्थित सरकारी कोचिंग सेंटर में अचानक पहुंच गए और मेस का निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में इस्तेमाल होने वाली खाद्यान्न सामग्री चेक करने के बाद छात्रों के साथ खाना भी खाया। इसके बाद छात्रों ने पढ़ाई संबंधी विभिन्न जानकारियां ली। उन्होंने छात्रों से पूछा कि कोचिंग में उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही। दोनों अधिकारियों को एक साथ देखकर जहां छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं दूसरी ओर कोचिंग के शिक्षक और स्टाफ सब अलर्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि खाना खाने के दौरान अधिकारियों ने छात्रों से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कई प्रश्न पत्र पूछे, जिसका सही जवाब देने पर उन्हें शाबाशी दी गई और गलत होने पर उन्हें सही जानकारी दी। अधिकारियों ने उन्हें बताया किस तरह से उन्हें परीक्षाओं की तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे अहम होता है कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। इसके साथ ही कभी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। उन्होंने बताया कि पूरी लगन से तैयारी करने पर सफलता जरूर मिलती है। अलीगढ़ से आशीष वासने की रिपोर्ट। यह औचक निरीक्षण इस उद्देश्य से था कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और बच्चे जो यहाँ पर हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था बेहतर है या नहीं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा संस्थान है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। हॉस्टल की सुविधा भी है, फैकल्टीज हैं जो इनको बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उनकी क्वालिटी चेक करने के नज़रिए से आज औचक रूप से डीएम साहब आए, बच्चों के साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने यहाँ की जानकारी भी ली है, क्लास कब से कब चल रही है, और मैं तो यही चाहूँगा यहाँ पर ऐसे अधिकारी आते रहें और टाइम टू टाइम यहाँ का ब्यौरा लेते रहें। इससे क्या है, संस्था अच्छी चलती है।